एक कबाब जा रहे हैं? यस सर, इसमें एक कबाब होगा, एक बॉयल एग होगा। अच्छा जी, थोड़ा सा कैमरा पीछे रखना जी। वाह जी वाह, 180 रुपए के दो पीस हैं। 180 रुपए के दो पीस हैं। गाइस यहाँ पे दाल तैयार हो रही है, फ्रेश पनीर, बढ़िया। सर कितने साल से ढाबा अपना है? 32 ईयर सर, 32 साल, 91 से सेटिंग में। यो 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 व्हाट्स अप पीपल, आज मैं हूँ वेस्ट दिल्ली में, कहाँ पे, रघुवीर नगर। एक ढाबा है जिसका नाम है शेरे पंजाब। यहाँ मैं पता क्यों आया हूँ, पहले तो जब मैं यहाँ पे आया था ना, मैंने यहाँ पे दबा के भीड़ देखी और लोग अपने खाने के ऑर्डर की वेट कर रहे थे। यहाँ के जो ओनर साहब है सागर, मैंने उनसे पूछा इतनी भीड़ क्यों, कह रहे दो रीज़न है, कह रहा पहला कि हम देते हैं क्वालिटी वाला ढाबे वाला खाना और दूसरा रीजनेबल खाना। बोले तो हमारी चिकन करी मात्र 80 रुपए की दो पीस, 80 रुपीज़। मैं कहा अच्छा जी, हैरानी वाली बात थी। एंड सागर सेड मैं खुद आपके लिए बनाऊंगा मटकी चिकन, जो खास है, अच्छे तरीके से प्रिपेयर किया जाता है कबाब डाल के। ऑल राइट, इसके साथ साथ कह रहे आपको हमने खिलाना है ढाबा स्टाइल तंदूरी चिकन, नॉट रेस्टोरेंट स्टाइल, ढाबा स्टाइल, प्रॉपर मक्खन मुक्खन बार के मसालेदार तंदूरी चिकन। भाई वाह, आई वॉज वेरी हैप्पी। एक खुला ढाबा जहाँ भीड़ है, एक लाइव तंदूर, एक लाइव किचन, बैठने की बहुत सारी जगह, और साथ में हाँ कह रहे वेजिटेरियन के लिए भी कुछ दिखा रहे हैं। क्या कह रहे, दाल मखनी और कढ़ाई पनीर। अरे हाँ ट्राई करेंगे भैया, ढाबे का खाना अच्छा ही होता है। करना क्या है, मिलना है, थोड़ी गप्पे, थोड़ा प्यार, थोड़ा एंटरटेनमेंट, थोड़ा खाना, थोड़ा रिश्ता, और क्या, एक सच्चा रिव्यू। वीडियो के अंत तक बन रहे ना, बहुत पानी आएगा। जवान ब्लॉग है ढाबे का, चले गाइस। शेरे पंजाब ढाबा, ये ढाबा है जी, ये पूरी अंदर बैठने की जगह, और यहाँ पे इनका लाइव किचन वगैरह, तंदूर वगैरह सामने ही लगा हुआ है। मिलवाता हूँ मैं आपसे। हाँ जी, क्या हाल है जी, कैसे हो? बढ़िया बढ़िया सर, आप बताओ क्या हाल है? फाइनली वीडियो बना लिया, बहुत पहली बात हुई थी हमारी। कैसा रह गया था? सब ठीक ठाक? बिल्कुल सर, सब बढ़िया। परेशान करो काम के समय पे? नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये आपका है जी लाइव किचन, यहाँ तंदूर है और अंदर आपकी लाइव किचन है। चले अंदर चले। बिल्कुल, अच्छा सीटिंग सारी एयर कंडीशनड है? टोटली। क्या बात है। अब सर मैं यहाँ पे, आपका ये हमारी लाइव किचन है टोटली। उस्ताद जी एक मिनट ज़रा साइड होना, एक सेकंड के लिए। ये है हमारे पास दाल तड़का। दाल तड़का, येलो दाल जो पंजाबियों की फेमस होती है। अच्छा, इसका तड़का तड़का लगा के देते हो? बिल्कुल यस, ये रेडी भी है और जो एक्स्ट्रा तड़का कहता है उसको उसी टाइम पर लगा के भी देते हैं। बहुत बढ़िया। ये हो गई सोयाबीन चाप। हाँ, वेरी गुड। और क्या क्या दिखाते हो? चलो बस सर, सारा कुछ प्रिपेयर्ड होता है मोटा मोटा? बिल्कुल सर, कढ़ी पकौड़ा। नॉन वेज कहाँ पे है? नॉन वेज सर, ये दोनों बहन मेरी प्योर वेज हैं। इसके अंदर नॉन वेज की कोई आइटम्स नहीं होगी, नॉन वेज बैक साइड। अच्छा, नॉन वेज अलग रखते हो? बिल्कुल सर। वेरी गुड। ये हमारा पालक पनीर। पालक पनीर, दिस इज पालक पनीर, उसी टाइम ऐड ऑन होता है फ्राई पैन में रेडी करते हुए। समझ गया। तो क्या जी? मटर पनीर। ओए मटर पनीर, पनीर सब फ्राई पैन में डाल के उसी टाइम रेडी करके देते हैं जब कस्टमर आता है। समझ गया। थोड़ा नॉन वेज दिखा दे। बिल्कुल सर। और क्या है? दाल मखनी मेन आइटम। मजा आ जाएगा खा के इसको? बिल्कुल सर, बिल्कुल, जब आप टेस्ट करेंगे आपको अपना पता लगेगा। गर्म कर देगा, कैसे स्टीम आती है मेरे। सो ये क्या, एक प्रॉपर ढाबा है जहाँ आपको रीजनेबल अच्छा खाना मिलता है। एंड अच्छी बात है कि देयर इज एन ऐड ऑन ऑफ नॉन वेजिटेरियन, जो हमने दबा के खाना और जो मैंने दिखाना भी है कि, तो मैंने ऐसी दिखा दिया कि कपड़े। मैं आपको नॉन वेज की चिकन करी शो कर रहा हूँ। हाँ जी दिखाओ। ये सर हमारी चिकन करी। एक सेकंड आया। इसी क्या 80 रुपए कीमत कही थी आप? 80 रुपए के दो पीसेस। वाह जी वाह, 80 रुपए के दो पीस हैं? 80 रुपए के दो पीस हैं। क्या बात, एक बिग एक स्मॉल। अच्छा, वेरी गुड। और बाकी ये जो बटर चिकन वगैरह, इनका क्या रेट रहता है? बटर चिकन 250 रुपए का हाफ है, 500 रुपए का फुल है। अच्छा, 250 में चार पीस आते हैं? 250 में 6 पीस, 250 और आधा मुर्गा, हाफ ऑफ द चिकन होगा। वेरी वेल। अब हम क्या बना रहे हैं? पहले मटकी। आओ बनाओ, हमारी फेवरेट। सो मटकी आप खुद ही बनाते हो कह रहे हैं? सर यस। अच्छा, पहले से डाल रखा है? हाँ, ये अभी बस रेडी करा है। तब सर कितने साल से ढाबा अपना है? 32 ईयर सर, 32 साल, 91 से सेटिंग में। फ्रेंड्स यहाँ पे ना बटर चिकन लग रहा है हमारे लिए। वाह जी वाह, इसमें प्रॉपर तंदूरी जाएगा। और यहाँ भी, अच्छा इसमें भी तंदूरी आता है? मटकी में भी प्रिपरेशन जितनी भी होगी चिकन की सब हाफ डाउन में होगी। हाँ, जितनी प्रिपरेशन है सब हाफ डाउन में होगी कि कस्टमर के पास। आपका फेवरेट क्या है, मटकी या फिर बटर चिकन? मटकी। अच्छा, मटकी फेवरेट है। ये कबाब जा रहे हैं? यस सर, इसमें एक कबाब होगा, एक बॉयल एग होगा। अच्छा जी, सो मटकी इज बेसिकली मिक्सचर, मिक्सचर ऑफ मीट ना? यस, ऑफ चिकन। ऑफ चिकन, मैं समझ गया।
देखो थोड़ा सा कैमरा पीछे रख लगे। सो फिर से यहाँ मटकी चिकन हो रहा है, यहाँ बटर चिकन हो रहा है, क्या बात है। तंदूरी चिकन कहाँ पे होगा सर? तंदूरी चिकन तंदूर में दे रहा हूँ, आप तंदूरी लगा भाई। ये आ गया सर बॉइल एग, नॉर्मल। ये पेस्ट आ गया सर काजू का। अरे काजू का पेस्ट डालवाया। हाँ जी। और चिकन करी तो सीधी सर्व की जाती है? बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल, वो हमेशा रेडी रहती है। खातों साथ ही उसी टाइम। गाइस ये हो गया है बटर चिकन तैयार। मक्खन हाफ क्वार्टर मक्खन दो। सो ये ढाबा स्टाइल बटर चिकन है? ढाबा स्टाइल बटर चिकन। मटकी चिकन डांजी? यस सर बिल्कुल। यस सर डांजी बिल्कुल डांजी। हाँ गाइस ये देख लो यहाँ पे चिकन करी, लेग और थाई वाला लगा देना हो सके तो। चलो कोई नहीं ये डाल दो, बहुत है। वाह जी वाह। सो इसकी कीमत है 80 रुपीज। क्या दादा तंदूरी? बहुत बढ़िया। अरे वाह। और ये मक्खन? अरे वाह जी वाह। गाइस यहाँ पे दाल तैयार हो रही है। सो यही आपकी फेमस है दाल मखनी? हाँ जी हाँ जी। इसका क्या कीमत होता है? 80 रुपीज की सर। 80 रुपीज की हाफ। अच्छा जी। डेली खोले हो? यस सर 7 डेज ओपन। और टाइमिंग? टाइमिंग सुबह 11:30 से लेकर रात के 11:30। अच्छा। बीच में 2 घंटे का लंच ब्रेक है 4 to 6। अच्छा, उसके अलावा सारा काम करते हो? हाँ जी। ये फाइनली कढ़ाई पनीर? हाँ जी। भाई जी आखिरी देख लो हमारा कढ़ाई पनीर। और यही पनीर जाएगा ना? पनीर जाएगा, फ्रेश पनीर, बढ़िया। हो गया डन? हाँ जी हाँ जी। All right guys, the food's here and this is all dhaba style. पता है इस वीडियो में बनाने के दो पर्पस लगे, टोल्ड यू। वन ऑब्वियसली क्वालिटी, वी लुक एट ढाबा फूड, अच्छा होगा, पुराने तजुर्बे वाले प्लेयर है तो दे कांट गो रॉन्ग विद दैट। सेकंड इज द प्राइसिंग है, आज के ज़माने में भी अच्छा खाना रीजनेबल प्राइस में मिल जाए ना, पर्पस गेट सॉल्ड इन पश्चिम और हैप्पी स्ट एरिया जो सबके आसपास पड़ता है ना। आ जाओ पहले तंदूरी देखो, पूरा चटपटा मसालेदार अच्छे से है। ये मसालों में जो है कोई परहेज नहीं करते ये लोग, देख रहे अंदर से इट्स ऑल वेरी जूसी फ्रॉम इनसाइड। आई लाइक द चार अच्छे से तंदूर हुआ है। Let's go. All right. 3, 2, 1. Subscribe. Let's go in. किसको सीखना ना तंदूरी चिकन के ढाबे के ओनर से सीखे। तंदूरी चिकन इज नॉट अबाउट सोफिस्टिकेशन, या तुम अपना हाथ टाइट रखो मसाले डालने में। इट हैज टू बी पूरा झंडा एक मसालेदार चटनी प्याज के साथ खाते हैं। एक यही एक ऐसा स्टार्टर है जो बहुत सारे, जिसने बहुत सारे स्टार्टर पैदा किए। इस स्टार्टर खाने के बाद ना सब नॉर्मल लगता है, एवरेज लगता है। क्लासिक डिश है, बढ़िया डिश है। शुरू हो जाओ, रुकने का मन नहीं करता, जैसे कि मेरा है ना। चिकन जूसी, लाइक सर मसालेदार, लिमिटेड अमाउंट ऑफ बटर, भर भर के नहीं डाला, पागल नहीं किया। चिकन को नाइसली आई लव इट। आई स्वर मेरे जितने भी कुछ फ्रेंड्स हैं ओवरसीज से जो आते रहते हैं, या कुछ हैं जो फॉरेन फ्रेंड्स यहाँ रहते भी हैं, व्हेन दे हैव तंदूरी ना, उनके आगे सब फेल हो जाता है। बिकॉज दे ऑल्सो थिंक इंडियन को अगर अपने डिफाइन करा ना खाने को, तो तंदूरी इज द बेस्ट थिंग इन स्टार्टअप है कि नहीं है। आ जाओ अच्छी सी रोटी लेते हैं और सबसे पहले खाते हैं इनका बीसी। ये इन्होंने पहले कहा था ये कोई मीठा मीठा नहीं होगा, मसालेदार होगा, ढाबा स्टाइल होगा, तो एक्सपेक्टेशन वैसी सेट रखना। सिंपल बटर चिकन,
Don't expect those rich butter chicken which have heavy consistency of gravy. This is simple gravy जिसके अंदर तंदूरी चिकन डाल के अपने ढाबा स्टाइल मसाला डाल के they've come out with a reasonable butter chicken जिसको भी enjoy करोगे जैसे घर में तैयार होता है. Nothing extraordinary but treat करके जब खाओगे और वो भी चिकन 250 में 6 पीस मज़ा तो आएगा ना. तो ये सारी बात है. आप क्या खा रहे हैं? आ जाओ जी आ जाओ. क्योंकि मेरे दाल मखनी खाते हैं वो सामने ही है. ये देखो ये जी दाल मखनी ये. अरे अगर 80 रुपये में ये दे रहे हैं ना तो कमाल हो भाई. मैं तो आज कुछ सोचता हूँ जब 80 रुपये में 3 लोग मिलकर दाल खा सकते हैं तो लोग घर में दाल बनाए क्यों? घर में भी 2 रुपये की पड़ती है कहीं ना कहीं. अब सोचो दिमाग 25 रुपये के हिसाब से 3 बंदे मिलकर खा रहे हैं 70-80 रुपये. मैं मजाक नहीं कर रहा. रिच दाल है, अच्छी दाल है, ढाबा स्टाइल है, तड़के वाली. आई लव द दाल. पता है वो दाल है जिसको ना हम गुड़गांव में ढूंढते हैं. हमें ना गुड़गांव में हमेशा वो रेस्टोरेंट स्टाइल मिलती है, वो पता ही है, उसे मज़ा नहीं आता. कढ़ाई पनीर शिमला मिर्च डाल के ये पनीर, और ये पनीर है ना सॉफ्ट, ये फ्रेश पनीर का मज़ा आता है जो मैं बार बार जिक्र करा था ना पहले मेकिंग के टाइम पर. ये मज़ा आ गया. नरम पनीर, हाँ हाँ हाँ. कढ़ाई पनीर में जब बेल पेपर आता है ना तो खड़ा खड़ा सब्जियाँ मुँह में आती हैं. दैट रियली वर्क्स यार. आई थिंक आई प्रेज द ओनर फॉर यूजिंग फ्रेश पनीर. बहुत लोग आजकल पनीर यूज़ करते हैं, वो पैक्ड यूज़ करते हैं, सख्त पनीर होता है और लोग नहीं समझते पनीर के डिश में पनीर इज़ द हीरो. अगर पनीर ही सॉफ्ट नहीं हुआ ना तो कोई भी पनीर की आइटम, कोई भी डिश काम नहीं कर सकती. एंड ऑफ द गेम. हाँ जी चिकन करी ये लो जी. टोमेटो ही पतली कंसिस्टेंसी तो पूरा आपका कड़ी वाला चिकन होता है वो. हाँ हाँ. और ये उस तरह की करी है विच कैन वर्क विद राइस इज वेल. अगर आप इसमें पूरा प्लेट चावल लो ना और चिकन को ऊपर डाल लो, थोड़ी चटनी, थोड़ा प्याज, थोड़ी हरी मिर्च, हाय 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 है ना. सो दिस इज़ अ वेरी वेरी सिंपल ग्रेवी डिश. चाहो तो आप इसको रिच भी करवा सकते हो बाई ऑर्डरिंग और तवा चिकन और बटर चिकन और वॉटर. बट ये बहुत सिंपल ग्रेवी है, रीजनेबली प्राइस्ड है. रोटी के साथ खाना है दोपहर को, अच्छे प्राइस पर ये वैसी कुछ ग्रेवी है. आई लाइक इट. बट कैन आई से दिस, आई लाइक कढ़ाई पनीर मोर या दाल मखनी कुछ नेक्स्ट लेवल. मतलब मज़ा ही आ गया. हाँ जी लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सो दिस इज़ मटकी चिकन मेड बाय सागर हिमसेल्फ. हू टोल्ड मी बिफोर मेकिंग अ व्लॉग कि मैं ही बनाऊंगा जी. ये एग ले लिया मैंने और अब डिप करते हैं इसमें कबाब भी और इसको खा लें. ओके अमाउंट एवरीथिंग इन नॉन वेज मसाला सा नाइस करेक्ट अच्छे से पका हुआ. इसका क्या रेट होता था? 300 रुपये का. 3000 कितने पीस यार पूरा प्राइस लाइक 300 यू गेट दिस है. अंडा सब आता है इसमें एक मिनट. वेरी गुड. एक बात आपको क्लियर कर दूँ, चांस पर कम विथ राइट एक्सपेक्टेशन. ढाबा ढाबा फूड अच्छा खाना ज़मीन से होता है ना, जैसे ग्राउंडेड खाना वैसा. डोंट एक्सपेक्ट रेस्टोरेंट स्टाइल की क्रीम व्रीम डाल के बड़ा रिच ना. फिर से बता रहा ग्राउंडेड. और दाल और कढ़ाई पनीर अगर वेजिटेरियन हो तो और नॉन वेजिटेरियन हो तो भी ऑर्डर करना बिकॉज आई लव देम. मज़ा आ गया काफ़ी. एंड आई एम इमेजिनिंग क्योंकि मैंने बचपन खाया तो मैं शाही पनीर को इमेजिन कर सकता हूँ. बट आई रादर रेकमेंड टू ऑर्डर कढ़ाई पनीर.
जितना खाना खा दो बाकी पैक करा दो फिर आपसे मिलता हूँ। ऑलराइट गाइस, जस्ट हैड माय मील एंड आई एंजॉयड यार। सो बेसिकली आई वांट टू टेल यू वंस अगेन, व्हेन यू कम हियर ना, कीप योर एक्सपेक्टेशंस राइट। मैं बार बार इसलिए बोलता हूँ ओनली बिकॉज़ पीपल जस्ट कमेंट एंड से अ लॉट ऑफ थिंग्स। बात ऐसी, एक ढाबा है जहाँ पे सुंदर सुशी स्पष्ट तरीके से सिंपल खाना मिलता है, ठीक है, और रीजनेबली प्राइस्ड है। और मैं बार बार ये बात इसलिए बोल रहा हूँ ओनली बिकॉज यहाँ पे ना आपको वेज नॉन वेज दोनों पसंद आएगा, बट सिंपलिसिटी इज द की यहाँ, ठीक है कि नहीं है। ठंडी खीर 25 रुपये पीछे लिखा है, बाई चांस मीठा खाना मैं तो नहीं खाया, ठीक है कि नहीं है। शेरे पंजाब, रघुवीर नगर, पश्चिम विहार, डिस्क्रिप्शन में लोकेशन, एड्रेस, प्राइसिंग, कॉन्टैक्ट नंबर सारी डिटेल्स डाल दूंगा। ना मिले फोन करके परेशान करो, पहुँचो, ट्राई द फूड एंड लीव अ कॉमेंट। कॉमेंट इसलिए इज ओनली बिकॉज पता चले कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा, क्या क्या मैं सुधार सकता हूँ, कुछ आपके बारे में जान सकता हूँ, तो ये सारे गेम है। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब, सब्सक्राइब एंड शेयर, द चैनल विल ग्रो। इंस्टाग्राम पे रोरा शोएब एंड फेसबुक पे शोएब रोरा ब्लॉग्स लिखेंगे, वहाँ भी फॉलो कीजिए। दैट बी इट, बहुत जल्द मिलूंगा, टेक केयर, हैव फन, बाय।